बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों दुनिया में बहुत तरह के जीव हैं, कोई छोटा है तो कोई बड़ा, कोई कमजोर है तो कोई बहुत ताकतवर, कोई कम दिमाग का है तो कोई चालाक। लेकिन कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हर वक्त आपकी और बस आपकी ही तारीफ हो, क्योंकि कई बार आप झूठी तारीफ पाने के चक्कर में, खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में अपने आप को ही मुसीबत में डाल लेते हैं। चलिए ये बात आज मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाती हूँ। ये कहानी आपको बड़ी मजेदार लगने वाली है। बच्चों बहुत पुरानी बात है, भोजताल नाम के एक बड़े से तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। बच्चों क्या आप जानते हैं कि भोजताल तालाब कहाँ है? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। भोजताल तालाब भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में है और एशिया का ये सबसे बड़ा तालाब भी है, याद रखना बच्चों। उसी तालाब में एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। ये सभी तालाब में ही खाते पीते और आराम से जिंदगी बिता रहे थे। खाना खुराक अच्छी होने की वजह से वो मेंढक काफी मोटा हो गया था। उसके बच्चे भी उसे देखकर काफी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता था कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े और बलवान हैं। मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में झूठी बातें बताता और ताकतवर होने की मनगढ़ंत कहानियां सुनाता। धीरे धीरे उस मेंढक को अपने बड़े होने पर घमंड होने लगा। एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब में घूम रहे थे, तभी तालाब के किनारे एक बैल पानी पीने के लिए आया। बैल को देखते ही मेंढक के बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर देखा ही नहीं था। वो बैल को देखकर डर गए। वो टकटकी लगाए बैल को देखे ही जा रहे थे और बैल मजे से पानी पी रहा था। पानी पीने के बाद बैल ने जोर से डकार ली। बैल की डकार सुनकर मेंढक के 3 बच्चे डर गए और वहां से भाग गए, सीधे अपने पिता के पास पहुंचे। सभी बच्चे मेंढकों ने अपने पिता मेंढक से कहा, पापा पापा आज हमने बहुत बड़ा जीव देखा है जो आपसे तो बहुत बड़ा और ताकतवर था। ये सुनते ही मेंढक को झटका लगा, लेकिन घमंड में चूर मेंढक ने लंबी सांस भरी और खुद को फुलाकर वो अपने बच्चों से बोला, बताओ बेटा क्या वो इससे भी बड़ा जीव था? उसके बच्चों ने कहा कि हाँ वो तो आपसे भी बड़ा जीव था। अब मेंढक को गुस्सा आ गया, उसने और ज्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और पूछा, क्या अब भी वो जीव मुझसे बड़ा था? बच्चों ने फिर कह दिया, ये तो कुछ भी नहीं, वो आपसे कई गुना बड़ा था। मेंढक से ये सुना नहीं गया, वो सांस फुला फुला कर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसका शरीर पूरी तरह से फूल गया। उसने बच्चों से पूछा कि क्या वो अब भी बड़ा था? बच्चों ने फिर से कह दिया कि हाँ वो अब भी आपसे काफी बड़ा था। मेंढक ने खुद को और फुलाने की कोशिश की। घमंड में डूबा मेंढक अपनी तारीफ सुनना चाहता था, वो खुद को फुलाए जा रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो फट गया और वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई, यानी घमंड के चक्कर में उसने अपनी जान से हाथ धो दिया। तो बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा? बच्चों ने कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी झूठी तारीफ सुनने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अक्सर घमंड और तारीफ सुनने के चक्कर में हमें नुकसान झेलना पड़ जाता है, और कुछ भी करने से पहले अहंकार में नहीं बुद्धि से काम लेना चाहिए। सोचिए कि अगर मेंढक बुद्धिमानी दिखाता और बच्चों से कहता कि चलो वो कौन सा जीव है जो मुझसे भी बड़ा है, मुझे दिखाओ, तो उसे भी पता चल जाता कि उससे बड़े भी कई जीव हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अंत में हुआ क्या, अपनी ही जिंदगी से वो हाथ धो बैठा। समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप कहानी से मिली सीख को अपनी जिंदगी में जरूर आजमाइएगा। पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए।